तो यही आपका एग्जाम्पल है, यानी इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें हमने यही कहा है कि फाइंड द आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जा रहे हैं, इसका आर्डर आपको बताना है और डिग्री बताना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको आर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आपको द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपका द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और हम जानते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स, फैमिली ऑफ द कर्व्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको फाइंड करना है ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये फैमिली ऑफ कर्व्स यहाँ पे दिया है, कर्व की एक तरह की फैमिली है, किसी भी प्रकार का वो कर्व हो सकता है। तो कह रहा है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज यानी भिन्न भिन्न मानों के लिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने पहले ही डेफिनेशन बताया है। हमने वहाँ पे कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y आना चाहिए, x आना चाहिए और y के डेरिवेटिव आने चाहिए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे कि आखिर में वो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा कैसे। तो जब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला काम करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल यहाँ पे जो आपका कर्व दिया है, इस कर्व को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम कहेंगे कि वी हैव वाई इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी इंटू ए की पावर माइनस एक्स। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों कभी भी अगर आपको फाइंड करना रहे किसी फैमिली आप करो का, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि जो यहाँ पे कांस्टेंट दिए होते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, तो यहाँ पे जो ए और बी कांस्टेंट है उनको हमें एलिमिनेट करना रहता है। एलिमिनेट मतलब वहाँ से हमें क्या करना रहता है, एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना रहता है जिसमें ए और बी ना हो, वहाँ से हट जाए। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जिसके जरिए हम लोग ए और बी को वहाँ से एलिमिनेट करेंगे यानी हटा देंगे। तो हम कहेंगे कि टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन टू एलिमिनेट ए एंड बी। तो हमें क्या करना है कि हमें एलिमिनेट करना है ए और बी को, देन हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब भी ए और बी को एलिमिनेट करने की बात आए, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये पहला वाला इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देन डिफरेंशिएटिंग, हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. तो x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, अवकलन करना है इसका. तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपका देगा dy by dx. x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपका देगा dy by dx. और दोस्तों एक चीज़ आप जानते होंगे कि ये आपका x का फंक्शन है, e की पावर x. तो अगर e की पावर x का फंक्शन है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ एक कांस्टेंट है. तो जब भी आप अवकलन करेंगे तो पूरे टर्म का करते हैं, तो पूरे टर्म में जो कांस्टेंट होता है उसको बस यूं ही लिख लेते हैं, बस उसी तरह से लिख लेते हैं. और जो फंक्शन है यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक्स के फंक्शन का अवकलन करना होगा. तो e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सभी लोग जानते हैं, e की पावर एक्स ही होगा. और फिर बाद में इसका भी करना रहता है, पहले पूरे फंक्शन का करते हैं e की पावर एक्स का. तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा और इस एक्स का करेंगे तो वन आएगा, इंटू वन आप लिख सकते हैं. तो अगर वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर एक्स ही आएगा, बस इतना ही. प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो b कांस्टेंट है लिख लेंगे, और e की पावर माइनस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर पहले तो माइनस एक्स देगा, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स होगा, और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका माइनस वन आएगा. तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन होगा. इट मीन्स इसको लिख सकते हैं ए ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ पे आप इसको माइनस कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, माइनस इतना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस. इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड नाम दे सकते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पे आप लाएंगे, हम देखेंगे कि क्या यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की मदद से ए और बी एलिमिनेट हो सकते हैं. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. अगर यहीं पे पॉजिटिव साइन होती, प्लस अगर होता, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू वाई को ला के यहीं पे रख लेते हैं. बट यहाँ पे नेगेटिव है तो अभी हम कुछ और करेंगे यहाँ पे. तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. तो हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले इक्वेशन का फिर से एक बार अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आपका देगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू. तो ये देगा आपका डी टू वाई अपान डी एक्स टू. और फिर आप वही काम करेंगे, कांस्टेंट को लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा. एंड फिर x का करेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और माइनस b इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस x पहले आएगा, और फिर माइनस x का जब करेंगे तो माइनस 1 आएगा. तो जब इस माइनस 1 का प्रोडक्ट अगर इस पूरे के साथ करें, यानी यहाँ पे माइनस और माइनस आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो इसको हम तीसरा इक्वेशन कर लेते हैं. अब देखें कि पहले वाले इक्वेशन को देखें और थर्ड वाले इक्वेशन को देखें, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को देखें कि क्या यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है ए और बी. तो आप देख रहे हैं कि अगर इसकी जगह हम चाहें, इसकी जगह यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बराबर y है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं. यानी हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री वी हैव. तो पहले वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह बस आप y कर लें, तो ये देगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू. डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई. तो यही आपका आंसर कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो जो फैमिली ऑफ कर्व यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो यही होगा। तो आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी कर्व का, फैमिली ऑफ कर्व का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना रहे, तो वहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहें, जो भी कांस्टेंट, आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि वो आपका कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं घर के लिए, आप चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ये भी हमें बताएंगे। तो हम बस यहाँ पे यही करते रहे, यहाँ पे 2x का हम यूज कर ले रहे हैं, 2x एंड यहाँ पे 2x। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका e की पावर 2x आ रहा है, e की पावर माइनस 2x आ रहा है। बिल्कुल जो प्रोसेस थी, जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया है, उसी प्रोसेस पे आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।